जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एबेक्सिया लाइफ केयर का शेयर प्राइस पिछले जो कुछ दिनों से लगातार रॉकेट बना हुआ है, और अब हमें संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, अब वो इस स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से प्राइस को नीचे गिराने की तरफ कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर इस कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। यही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि जो लोग नया भी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं या जिन लोगों का पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट था, वो अब दोबारा से इस स्टॉक में ना फंसे। यहाँ पर देखेंगे आप तो 3.10 रुपये पर हमने क्लोजिंग दिया, वो भी 4% की तेजी के साथ। और ये मैं सिर्फ एक दिन की बात करूँ, यानी कि एक दिन में ये स्टॉक तकरीबन 4% के आसपास छलांग लगा रहा है। ये पेनी स्टॉक की यही खूबसूरती होती है, जब ये स्टॉक चढ़ते हैं तो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, और जब गिरते हैं तो ऐसे भी लगातार गिरते ही रहते हैं। तो खैर, अभी इसमें गिरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको वो समय आ गया है जहाँ पर संभल जाने की जरूरत है। अब देखेंगे पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 22% के आसपास चढ़ा है। दोस्तों, क्या शानदार रिटर्न यहाँ पर निकाल कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉक उठना शुरू हो, और यहाँ से स्टॉक उठकर सीधे यहाँ तक आया है। इसका ग्राफ देखिए कितना ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है, देखने में भी मज़ा आ रहा है। एक सप्ताह में देखिए तकरीबन 22% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिला है। वहीं पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में स्टॉक 47% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया है। यानी कि एक मंथ पहले भी किसी व्यक्ति ने इसमें 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो अभी तक 1,48,000 रुपये बन गए होंगे सिर्फ एक मंथ में। ये सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक में ही संभव है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ का इसका जो रिटर्न पहले काफ़ी दिनों से माइनस में आपको देखने को मिल रहा था, वो देखिए 6 मंथ का रिटर्न हुआ, इसका तकरीबन 86-87% का पॉजिटिव में आ गया है। लॉन्ग टर्म से ये स्टॉक क्या हुआ है कि एक मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वजह से इसका जो 6 मंथ का जो रिटर्न था, जो पहले यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये माइनस में दिखा रहा था, ये अब प्लस में हो गया और तकरीबन 87% का रिटर्न निकाल कर दिया है। यहाँ पर अभी हम लोग BSE इंडिया की वेबसाइट पर आए हैं, और BSE इंडिया की वेबसाइट पर मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सके कि स्टॉक में जो तेजी बनी है ये किस वजह से बनी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, ये मीटिंग 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर्स होता है उसकी ये पहली मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मीटिंग क्यों किए हैं, क्योंकि अब वो सीरियस हो गए हैं इस कंपनी को लेकर, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लेकर। अब वो इस कंपनी में किसी तरह का लफड़ा नहीं चाहते, ये मीटिंग अब समय पर होती रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ताकि और मीटिंग होना जरूरी भी है इसलिए क्योंकि कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, उन सभी चीज़ों पर काम हो सकेगा। और अब ये कंपनी पेनी स्टॉक से बाहर निकली, इसलिए इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो लगातार काम कर रही है इसको लेकर। यहाँ पर हम लोग स्क्रीनर के वेबसाइट पर आ गए हैं, और स्क्रीनर के वेबसाइट पर सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ पर जाकर हमें संभल जाने की जरूरत है। स्टॉक का प्राइस उठना शुरू हुआ है, यहाँ से उठने के बाद इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। दो रुपये के लेवल को आप देखेंगे कि इसने इजिली ब्रेक कर दिया है, एक ही वे में ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर ये जो इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल था, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाकर फिर प्राइस नीचे आया, और फिर यहाँ तक आने के बाद इस पर सपोर्ट लिया, इसी लेवल के आसपास जो इसके लिए एक सपोर्ट का काम था, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर निकला। तो देखिए, शेयर प्राइस लगातार ऐसे ही ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अभी जो स्टॉक का प्राइस देखेंगे, सबसे ऊपर चला गया है 3 रुपये के आसपास, यहाँ से और कहाँ तक ऊपर जा सकता है इसके लिए हमें फिर लंबी अवधि का चार्ट ओपन करना होगा। और यहाँ पर फिर मैं 10 साल का चार्ट ओपन करता हूँ, 10 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, इसके लिए जो मेजर अब रेजिस्टेंस, अगला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल बार इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। और ये रेजिस्टेंस जो है आप देखेंगे 4 रुपये के आसपास का है, यानी कि अभी ये जो प्राइस बढ़ रहा है 3 रुपये के आसपास आया बढ़ के, ये यहाँ पर जाएगा 4 रुपये के आसपास, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये समय आ गया है, आपको प्रॉफिट बुक करने पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, वरना यहाँ से यदि नीचे आया तो हो सकता है कि फिर ये प्राइस 2 रुपये के आसपास आ जाए, और फिर 4 रुपये तक जाने में या 3 रुपये तक जाने में इसमें समय लग जाए। हालांकि एक ही वे में 4 रुपये को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर रिट्रेसमेंट मार्क प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और तब ऊपर निकलेगा, फिर 4 रुपये को ब्रेक करके प्राइस सीधे आएगा 8 रुपये। इसके पहले इस कंपनी में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको इसमें संभल जाने की जरूरत है और आप अपना प्रॉफिट बुक करने पर ध्यान देते रहना चाहिए। बाकी यदि इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो आपको पता है, जैसे जैसे कंपनी का, किसी भी कंपनी का जब शेयर प्राइस बढ़ता है, तो शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता है। तो आप देखिए, कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ने लगा, तकरीबन 192 करोड़ के आसपास हो गया, और बहुत जल्द ये कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी कंपनी का यदि मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है तो उससे अच्छा माना जाता है, यहाँ से 200 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होने जा रहा है। सबसे कमाल की बात देखेंगे, कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गया, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इंप्रूव देख लीजिए, यह भी बढ़ रहा है। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर साल भर में कंपनी कुछ ना कुछ कमा कर देगी ही देगी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि अब इस स्टॉक के अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन सिर्फ स्टॉक के नहीं आएंगे, अच्छे दिन आपके भी जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनके भी आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ एबेक्सिया लाइफ के बारे में जो बातें मैंने आपको बता दी है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और आप ट्रेडिंग करके यदि रेगुलर इनकम
माना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेम स्टॉक में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि उसमें लगता है जीरो ब्रोकरेज, यानी कि एक रुपये भी आप कमाएंगे तो एक रुपये टोटल आपका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।